चले, कुछ करना नहीं अब उनको, छोड़ो। पढ़ा क्या रहे थे? बुक लाया है फिर कुछ दिन का, ये क्लास और दे देंगे, झंझट खत्म हो जाएगा। बाकी नहीं है कुछ इसमें, लेकिन छोड़ सारे काहे पढ़ा है। चैप्टर का नाम तो पते होगा, जीवन में कहीं नहीं भूलेगा। चैप्टर भूल जाएगा लेकिन चैप्टर का नाम नहीं भूल सकता। जी सर, ये तो सही बोला। क्या अ तुम तो पल्टीना ले लेना आज, प्लेटीना मिले ना मिले, पल्टीना जरूर ले लेना। आ जाओ बोले, चमड़ी खत्म भले। जी मैं क्लास कॉल सर बोला। आ जाओ लाना, दो उकला है, दो थोड़ा देखते हैं। चलेगा ना? चला तो देंगे ही, आज का बुक नहीं है। कोनो बुक चलेगा रे, उनको जो चैप्टर में देखते हैं कुछ बाकी नहीं ना है। क्या बोला? और किसको देखें? और किसी को देखे थे? तुम लोग ना देखे दुर्गा पूजा में? हाँ सोचो कोई मिलेगा तो जाएंगे चौप मड़ी, वो चापेगा वो चापेंगे अपना। देखो देखो हम चक्कर में के तुम भरो, भाई देखो बात, हम दूसरे बोलो सही, हमरे बोलो से हैं। चेक कर यार, फिर पोजीशन क्वेश्चन से लिख करके बनाएगा, टेस्ट मारे थोड़ा फिर पोजीशन पर। हाँ कैला है? नहीं नहीं नहीं, अब ये चौप मुड़ी का, अब ये छेन दियो ना, अब ये उसको भी देखे थे शायद, थोड़ा ना देखा लियो उसको, देखे थे हाँ बॉय, इसलिए चौप मुड़ी लौके पन्नी में, पन्नी में हाँ पूरा पन्नी फटल था, मुड़ी गिर रहा था, हम बोले भी कि रे मुड़ी घर जा जाते कब तक, तो चिंता नहीं था उसको, ध्यान था उसको तो अथी पर, झूला झूलने पर। आ जाओ घर जाते देखा सब मुड़ी गिर गया होगा, था घर पे दिमागे नहीं ये लोग को। आ जाओ चलो प्राय, हाँ क्या बोले थे अभी हम, टेस्ट ऐसे कुछ क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन क्या, एकदम बहु वाला क्वेश्चन सर, बन जाता थोड़ा दही आई टेस्ट चेक कर, चौपा छुपी का चलो बेसिक टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट यहाँ लिख देते हैं। सरप्राइज टेस्ट थोड़ा ठंडा हो गया सब, कहीं मसुआ गया था, कहीं करते हैं। आ जाओ बेसिक देंगे, हिंदी छोटा छोटा लिखेंगे बेसिक, तुमको उसका इंग्लिश करना है, हो जाएगा करने, कोई दिक्कत नहीं है हम, है ना? नहीं होगा तो हम बता देंगे। लगभग 10 बजे क्यों नहीं होगा, एकदम इजी इजी देंगे, बोलेगा नहीं बनाएगा, तब देखना कितना नंबर आता है, एकदम बेसिक। वह 20 साल के ऊपर का है, और 20 साल के ऊपर का है, आराम से सोचो क्या होगा। पंखा फास्ट बनाना फिर मिटाएंगे, मेरे सर के ऊपर है, वह मेरे बाद आया, ऐसे टेंस नहीं पड़ा होगा लेकिन दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये सिंपल पास्ट का टेंस था, क्वेश्चन था, आया है ना, वी टू का यूज करना, प्रीपोजिशन ठीक से यूज करना खाली। वह मेरे विरुद्ध नहीं है, टेंस गलती हो चलेगा, फिर पोजीशन गलती नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना।
सलमान और कैटरीना के बीच में क्वेश्चन होगा, लेकिन रे लास्ट क्वेश्चन को याद है, उन्हें बोले थे कि लालू यादव गोबर के ढेर पर बैठा हुआ है, याद है? चेक करेंगे इसे। बोलेंगे इस आम को चार लड़कों में बांटो, पांच बजे दिवाली से पहले छठ के बाद पेड़ के पीछे एकदम इजी दे रहे, बन जाएगा, बस कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और छोटा कर दिया हम, मेरे लिए बनाते चल जाना। वह पेड़ से गिरा, टेबल पर नदी के ऊपर पिछले रविवार से मेरे पास आओ, टेबल के नीचे
मुझे देखो, दस साल से काफी और जब दुआर कर देते हैं देखा बनाते चल जाना समय पर। रात में शुक्रवार तक घर पर मेरे पास लो 25 क्वेश्चन दिए हैं बना कोशिश करना बनाने का। प्रीपोजिशन सही आना चाहिए, टेंस वगैरह गलती भी चलेगा, बस तुमको देख लेना है कि क्या, बस यही सब चीज़ तुमको इंग्लिश में लिखा रहेगा एग्जाम में, पता है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा कोई भी एक सेट, कोई भी बुक इंग्लिश वाला जिसमें इंग्लिश में हो, एक बार प्रैक्टिस कर जाना पढ़ करके। हम थोड़ा सा इंग्लिश में ढाल देंगे। अब नया चैप्टर हम दे सकते हैं, चालू करेंगे। कल खुला एक बंद है, पढ़ लो। तो कल इंग्लिश लाइव प्रैक्टिस करवाएंगे, तो परसों से पढ़ेंगे टेंस वगैरह। ये सब अदर वर्ड्स था, आगे जरूरत पड़ेगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि दुर्गा पूजा में सब भूल ही हो गया होगा, बकरी चला रहा था लोग, देखे थे बकरी लेके घूम रहा था दुर्गा पूजा में। कौन था वो? था शायद तुम ही था रे। हाँ वही तो था, तुम ही तो था, ऐसा ही शक्ल लगला था, फेस तो मिल रहा था, देखो तो इधर से। हाँ तुम ही लग रहा था, लेकिन बकरी दो गो बकरी था यहाँ मेला में, घर इधर नहीं है तो क्या था फिर वो? हमको लगा बकरी था हाथ में, तो हम सोचे तुम ही होगा। खसी हवा सब चला। हाँ खसी था कि बकरी था पता नहीं, ऐसे हम भेज रहे, मतलब भेज बोलते, मतलब शाकाहारी है, हम वैष्णव है, हम ना खाते हैं दूधा वैष्णव, आज तक खे भी नहीं किए। हाँ या देखी एक या काम माखी है ना के खसी खाए है के नहीं खाए, पढ़ाई का चिंता नहीं इसको। वाह घर में कोई खेब नहीं कर के, तू देख ले ली। वाह देखी ना, एक नानी काम देख लेता है, वो चोपा के देख लेता ना। हाँ चोपा मिला कि नहीं दुर्गा पूजा में? मिला था, इधर नहीं आता, लाता उसको घींच करके, क्योंकि हो गया मना। कोशिश करी आराम से, फास्ट कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी सब ठीक है। कल ये तुमको V2 वाला क्वेश्चन था होगा, वह मेरे बाद आया V2 हो गया ना, कम नहीं केम, हाँ ही केम हो जाएगा। अब बाकी प्रीपोजिशन ठीक से सेट करो, हाँ प्रीपोजिशन ठीक से केम हो जाएगा, ही केम। अगर आता हुआ आता है तो कम V1 V5 वाला, V2 नहीं पढ़ा अभी, अब चालू होगा टेंस। टेंस का पूरा जितना पढ़ाए होंगे उतना पढ़ के आएगा अच्छे से, मजा आएगा परसों से। फिर एक टेंस पूरा कवर कर दिए थे,
छोटा छोटा पुरा देते हैं दो चार को, 26 बस से 27 जुलाई से पहले बिना कलम के घर से 5 गांव लिख दिया। 30 क्वेश्चन है VIP, 30 क्वेश्चन है। चलो छोटा छोटा क्वेश्चन है, सोचो फिर पोजीशन सही से यूज करो। सवाल नहीं, क्वेश्चन बैंक रखना सेल्फ स्टडी के लिए। फेल V2 है, वो फेल V2 है, हिंदी हो जाएगा गिरना नहीं गिरा। अच्छा गिरना का फॉल होता है तो फॉल का V2 फेल, तो V2 का जो है ना क्वेश्चन कहाँ है, क्या नंबर 13 में। हाँ देखो वह पेड़ से गिरा तो ही फेल। अब बस ये देखना आगे जो गिरा तो छोड़ा ना पेड़ को तो क्या आएगा वहाँ पे छोड़ने के लिए, बस वो ठीक से सेट करना है। हाँ क्या बोलते थे कोई डाउट आ के चब खत्म मिले कि फिर इंसान जी गरमा दिए। अरे वाह गजब, पहले से अंधेरा था। कहीं हेल्प करो, ये तो बेसिक के समय तुमको हेल्थ खराब है, बन रहा है ना इजी है।
नहीं चश्मा में नहीं दिख रहा है तो उतार लो चश्मा की चश्मा उतार लिया और किसका भोकैब चाहिए मांगो मुस्कुराए से नहीं क्वेश्चन बन जाए क्वेश्चन बनेला से बने हैं दुर्गा पूजन खत्म नहीं भेले तुमने तो सब चीज दुर्गे जी को दे दिया होगा रे हमको पता है गया होगा ना चढ़ाने के लिए पैसा वैसा नहीं होगा तो ज्ञाने चढ़ा दिया होगा लिया झंझट खत्म हाँ पूरा समर्पित आके चरणों में दुर्गा जी खुश हाँ सर पहले से खुश कहता झंझट खत्म हुआ पढ़ा लिखा का हाँ पढ़ा लिखा कष्ट रे बहुत मुश्किल से लोग को पढ़ना पड़ता है आपने इंटर में तो सोचते थे कितना जल्दी खत्म होगा क्या करें मजबूरी में पढ़ना पड़ जाता है हाँ? पास के नियत पास के नियत हाँ नियर आके दुद्दू पर भग ले आप अभियो ने वाह एक बार और देंगे कहीं घिंचा देगा लास्ट में एक बार और घींच देंगे रे सब चैप्टर को रिवीजन लेकिन एक बार में नहीं सीखा तो फिर तुम क्या बार में सीखेगा कही है चलो कहाँ दिक्कत है किसी तो रहता लगभग 10 बजे में तो हम रुक जो लगभग तुम चटे चमेटा खाइए लेगी लगभग नहीं आए थे देखी लगभग वाला क्लास में लगभग ही नहीं आए थे बुझलिए ठीक है अभी मेला जाए कर तरते बन जाते सब कुछ खाना पीना 5 मिनट बर्तन तो सब मई जा देते तो नहीं बनता है तो सास तो तुम्हारी मारेगी तुम वो कहते केहन पुतो है खाना नहीं बने हैं भगला है बताइए चलो हम हेल्प करते क्या दिक्कत है 4-5 लगभग अबाउट का यूज करते हैं हाँ। किसका यूज करेंगे अबाउट लगभग का अबाउट 10 o'clock इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा अटैन क्लब हाँ अबाउट तो बोल रहे हैं हम हाँ अबाउट लिखो अबाउट 10 o'clock इसमें 20 साल के ऊपर है ना ऊपर के लिए अबव का यूज करेंगे तो ही इज अबव 20 ईयर्स कह सकते हैं 20 भी काम चल सकता है यहाँ लगभग का समझ में आ गया ना के ऊपर का समझ में आ गया यहाँ भी के ऊपर है तो एबव माई हेड द फैन इज एबव माई हेड द फैन इज एबव माई हेड पंखा मेरे सर के ऊपर है बात के लिए किसका यूज करते हैं आफ्टर का तो ही केम वो आया ही केम आफ्टर मी ये सब फिर पोजीशन के लिए यूज करना देखना है किसका क्या होगा आगे बोले उसके बाद वह मेरे विरुद्ध नहीं है विरुद्ध के लिए किसका यूज करते हैं याद है अगेंस्ट का AGAINST अगेंस्ट तो वह मेरे विरुद्ध नहीं है तो ही इज नॉट अगेंस्ट मी ही इज नॉट अगेंस्ट मी बीच में का क्या गो इंग्लिश याद है दू गो एगो एमोंग एगो बिटवीन तो बिटवीन का किसके लिए दो के लिए तो एगो एगो दू गो है ना तो बिटवीन दो से ज्यादा रहता तो एमोंग तो बिटवीन सलमान एंड कैटरीना सलमान एंड कैटरीना किसका KAIF दो गो है कैफ एक गो कैफ है CAF ही मत बोल देना ये कैफ है साइबर कैफे होता है ना तो CAF कैफे होता है कैफ मत पढ़ देना इसको आ जाओ
कहा थे इस आम को चार लड़कों में बांटो ना, तो बांटने के लिए यूज करते डिवाइड का, डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन नहीं अमोंग फोर बॉयज, डिवाइड दिस मैंगो अमोंग फोर बॉयज, बांटने के सॉरी हाँ ठीक है अमोंग फोर बॉयज, यहां मे का इंग्लिश निकलेगा अमोंग, डिवाइड दिस मैंगो अमोंग फोर बॉयज, आगे 5 बजे फिक्स टाइम है ना, एट का यूज करेंगे एट 5 o'clock, दिवाली से पहले, पहले के लिए याद करो बिफोर का, तो बिफोर दिवाली, छठ के बाद, बाद का याद करो आफ्टर छठ, पेड़ के पीछे, पीछे का याद करो बिहाइंड द ट्री, लिए का याद करो फोर मी, लेकिन खेलना रहता टू प्ले, चलो याद आ रहा, पेड़ से गिरा तो वह गिरा ना तो ही फेल, अब पेड़ को छोड़ा ना तो छोड़ने के लिए दो को बोले थे याद करो, एक तो फ्रॉम होता है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो, एक ओ डबल एफ होता है डिस्टेंस कम हो, अब तुम पीढ़िया पर से गिर गया टांग टूटिया जाएगा तुम्हारा, नहीं टूटेगा डिस्टेंस कम है ना, तो वहां पर ऑफ लगाना, तो क्या हो जाएगा यहां पे ही फेल ऑफ द ट्री, घोड़ा पर से गिर जाएगा ही फेल ऑफ द हॉर्स, ऐसा ना डिस्टेंस कम हो तो, चौकी पर से गिर जाएगा तो ऑफ द काउच, ऐसा ना, लेकिन छत पर से गिर जाएगा तो फ्रॉम द टेरिस, ठीक है ना, डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ये डिस्टेंस मोर ये डिस्टेंस लेस, अब क्या है टेबल पर तो ऑन सटा हुआ रहता है तो ऑन, नदी के ऊपर जैसे मान लो कि नदी है तो इसके ऊपर मान लो ब्रिज बनल है तो सटल थोड़े रहता है हटल रहता है ना, तो ओवर सॉरी अबव 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 द रिवर नदी के ऊपर क्या है पिछले रविवार से है ना, किसका करेंगे भाई बोलो तो, हाँ हाँ से है सिंस, सिंस रविवार फिक्स टाइम है ना स्टार्टिंग पता है ना, तो सिंस लास्ट संडे, पिछला का होता है लास्ट, पिछला क्या बोलते हैं तो सिंस लास्ट संडे, संडे आगे कम टू मी, कम टू मी कम के बाद टू लगाते हैं, जिसके भी पास जाएगा क्या लगा के टू लगा करके, आगे टेबल के नीचे, तो नीचे है ना तो अंदर 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 द टेबल, यहाँ पास के लिए टू हो गया देखो इन द टेबल, टेबल में अगर उसमें रहता दराज वगैरह तब ना, इन नीचे की बात हो रहा है, यहाँ से का सिंस हो गया, यहाँ ऊपर का क्या हो गया अबव, टेबल के नीचे, यहाँ नीचे के लिए अंदर, मुझे देखो लुक एट मी, जब भी किसी को देखते हैं इशार मतलब बोध करने के सेंस में एट का यूज करते हैं, लुक एट मी एट लगाना, 2 साल से क्या बोले हैं तो 2 साल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है फॉर 2 ईयर्स, अगर रहता 2 बजे से 2002 से तब सिंस आ जाता, तो यहाँ से का बदल जाएगा, आगे समय पर कर इन द टाइम, यहाँ पर का इंग्लिश इन हो जाता है, जब भी कभी समय पर बोले तो बोलना इन द टाइम, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है कुछ तो इन द टाइम क्या बोलेंगे इन द टाइम, समय पर रात में एट नाइट बोलना, यहाँ एट हो जाता है एट नाइट, शुक्रवार तक, तक के लिए तिल, हाँ एट नाइट हो जाएगा, तक के लिए टिल का यूज करते हैं, हाँ टिल फ्राइडे, घर पर एट होम जानते भी है, घर पर एट होम, एट होम सिंपल, अच्छा मेरे पास तो नियर मी, नियर नियर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस से तो बाय बस, हरी के बारे में तो अबाउट हरी, के बारे में अबाउट होगा ना, हाँ पहला क्वेश्चन तो कोई था नहीं वो, उसका जुलाई से पहले बिफोर जुलाई, बिन कलम नहीं बिना कलम, बिना कलम के विदाउट पेन, घर से फ्रॉम द हाउस, देखो कितना नंबर आया कितना सही हुआ, मार्क्स खुद से बैठाओ, इसको मिटा देना,
खुद से मार्क्स बैठाओ, देखो कितना नंबर आया। तुमको जो सही लग रहा है उसको सही करो, जो गलती है उसका नंबर काट लो। एक क्वेश्चन एक नंबर, ईमानदारी से। इन्हीं के हम बोल दिया आंसर सही लिख लिया है, और उसको भी तुम नंबर जोड़ लेगा, उसका नंबर काट देना तुम। हाँ, 25 में तो मार्क्स बैठा लो। चलो अब इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे कुछ, बैठा है नंबर कही एक एक ओके बाजियो कितने नंबर एल है अहाँ के। क्या चीज? 13 से 14। अच्छा नेक्स्ट, हाँ तक नंबर गिने हो कनी, गिन लिया है? जल्दी गिनो, 2 मिनट देते हैं, जल्दी गिनो। तो अपने हिसाब से देखो ना तुमको कितना नंबर आया। नीचे से टॉपिक के ऊपर से तुम ही ना देखेगा। चलो पति कितना तो बोलो ना, क्या हो गया, कौन सा तुमको फांसी दे देंगे हम। नेक्स्ट, हाँ गिनी रहा है, बोलो का है। बस 10 मतलब सर, बस आ जाओ मनाओ आगे। अब इंग्लिश बुला दे रहे हैं, अपना अपना बनाएगा, अगल बगल मत देखेगा। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस ऑप्शन रहेगा, अभी हम ऑप्शन ही देंगे, ठीक ना। हाँ बिना ऑप्शन के बनाओ, सोचो। हाँ तो की आगे विचार क्या बोल रहा है, समझा दोगे क्या? हाँ अभी तक काफ़ी है, पढ़ा बहुत दिया, थोड़ा सा चेक चाक करना था हमको। अच्छा चेक चाक हो गया, ये थोड़े के दिन दिखा के चेक करेंगे। क्वेश्चन पढ़ के खुद से सोचो क्या होना चाहिए। फेल है, जहाँ डाउट लगे पूछ लेना क्या लिखा हुआ है।
कितना होगा? बनाते चल जाना, हाँ लेट मत करना। यहीं सर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो बनाएंगे, तो लिख दिए तुम उसको बना लो अपना। स्मार्ट वर्क करना है, ओवर स्मार्ट मत कर लेना। हिज फादर इज एंग्री डैश हिम। अफेक्शन है यहाँ,
काफी फास्ट बनाओ। बोले तो बुक सम से बनाने के लिए बनाया कि नहीं बनाया तुम लोग प्रैक्टिस? हाँ प्रीपोजिशन बुक सम प्रैक्टिस। कौन बुक किताब कौन चैप्टर मतलब कौन बुक से तो उसका सेट नहीं होता है। बना बना था ना कोई डाउट कहीं भी एक मिसिया चलो। और कोई भी मॉडल सेट बना सकता है जैसे अगर दसवां वाला भी मॉडल सेट हो होगा ना पुरान का वाला उसको निकाला उसमें इंग्लिश होगा ग्रामर सेक्शन सेम है तो उसमें प्रीपोजिशन होगा ना प्रैक्टिस कर जाना। इंग्लिश बुक कौन मिले किसी भी राइटर का बस उसमें प्रीपोजिशन पढ़ लिया ना खोज खोज के बनाओ गूगल का यूज करो यूट्यूब का यूज करो एकदम प्रैक्टिस इतना करो कि तुम्हारे खून में आ जाए। प्रैक्टिस से ही याद हो जाता है कहाँ क्या लगेगा। तो हम लोग को ऑप्शन का बहुत कम जरूरत पड़ता है गलती तो हम लोग से भी होता है लेकिन बहुत रेयर केस में। क्वेश्चन इतना बना दो तुमको याद हो जाए कहाँ लगना चाहिए क्या लगता है नहीं लगता क्या कॉन्सेप्ट हर टाइप का मिल चुका है ना जो दिक्कत हो प्रैक्टिस में। गलती ही भरो कोशिश करो ताकि पता तो चलेगा ना गलती ही भरो लेकिन भरो पहले ताकि ये देखो कि कितना इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ तो करेंगे अपना स्टाइल चेंज करेंगे। क्वेश्चन पर सोचो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन और कहीं कहीं तो डायरेक्टिव बन जाता होगा। डब्ल्यू ई तो वेल मीन्स अच्छा होता है कहाँ है तो उसके नंबर में सेवन में फेल है सेवन ये अच्छा वेल में अच्छा होता है दो अच्छा भी होता है लेकिन वहाँ अच्छा नहीं है उसका मीनिंग यहाँ कुआ है एक का दो दो तीन दिन होता है भाई वेल मीन्स तो अच्छा तो होता ही है हाँ और कुआ भी होता है चले। हाँ यहाँ कुआं है चले। सन का मतलब सूरज भी होता है सन का मतलब धूप भी होता है तो तुमको देखना पड़ेगा
क्या है? हो गया? अच्छा बना लिया, देखो बना है तो दो मिनट लो, क्या दिक्कत है, चेक करो, कोशिश करो, गलती है सुधारो। चले पुरुष सब, पुरुष महिला पुरुष क्या बोला है? देखें बोलते हैं ना, देखते हैं इसमें टू होगा, सी इज कमिंग, क्या लोग तुम देखो, और घर आ रहा है तो कमिंग टू होम होगा, या घर को छोड़ के आ रहा है तो फ्रॉम हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा। टू लिखेंगे तो मतलब वह घर आ रहा है, फ्रॉम लिखेंगे मतलब घर को छोड़ के आ रहा है, यही ना अंतर होता है। फिलहाल यहाँ दोनों में से कोनो यूज कर सकता है तुम, हम फ्रॉम कर देते हैं, टू भी सही है। द सन इज, अच्छा द सन इज डैश द अर्थ, सूरज कहाँ पर है पृथ्वी से? अंतरिक्ष में, देखिए सब कुछ अंतरिक्ष में है, हाँ दूर है, ऊपर है या ऊपर ही है, ऊपर ही है, उठता है ऐसे, इतना बड़ा है ना तुम तो घुस, क्या वो पृथ्वी घुस जाएगा उसमें, तो ओवर लिख सकता है तुम, एबव भी लिख सकता है, ओवर भी लिख सकता है, एबव लिख दो ज़्यादा बेटर लग रहा है हमको। द बुक इज कहाँ पर होगा? आने ना होगा, टेबले पर ना होगा। द हाउस इज बिल्ट, घर बना है क्या चीज से? ईटा से, ऑफ ऑफ ब्रिक, ऑफ का मतलब यहाँ से हो गया, बनना के लिए बिल्ट का यूज करते हैं। इट इज रेड, या लाल है क्या चीज में, कलर में, मार्कर देखें सर, ब्लैक में, कलर ब्लैक कलर में है, इन कलर बोले ना। अ चाइल्ड फेल, गिर गया कथी में, कुआं में, गिरा तो मोशन में होगा कि नहीं, याद करो मोशन में क्या बोलते हैं, Into, I sleep, हम सोते हैं, कब सोते हैं, रात में, at night, Seema came here, Seema आई कैया, संडे को, तो on संडे याद करो, रविवार को, we get up, हम लोग उठते हैं, क्या बजे में, at 6 am, 6 बजे सुबह में, Rupa has been ill, जब यह हैज बीन हैव बीन आ जाता है तो सिंस ऑफ फोर आता है, पता है ना, तो रूपा हैज बीन इल कहिया से, हाँ तो सिंस पता है ना स्टार्टिंग। हिज फादर इज एंग्री, खिसियाइल है ओकर पप्पा, चोपा के पप्पा,
तो कैला खिसिया, अच्छा खिसिया ना, तो जब ये खिसिएतै तो विथ लगा के याद रखो फिक्स प्रीपोजिशन है। हाँ याद रखना कि एंग्री के साथ विथ ही लगता है, यादे कर जाओ विथ लगाएंगे। आई एम एंग्री विथ यू, मैं आपसे नाराज हूँ। यू आर एंग्री विथ मी, आप मुझसे नाराज है, विथ ही लगता। बोले कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है तो बस विथ लगाना। एंग्री के साथ क्या लगाना, जब भी लगाना तो रट जाओ, धीरे धीरे रटा जाएगा। मतलब एंग्री विथ बोलो, सिर्फ एंग्री बोल भी मत करा से तुम जब ये एंग्री बोलना तो एंग्री के साथ क्या बोलना, विथ बोलना, अपनी याद हो जाएगा एंग्री विथ। अच्छा ही विल बी एबसेंट, नहीं आया छोरा, कैलाश कहिया से एबसेंट रहेगा, कर ही विल भी है ना, तो फ्यूचर में बोले थे कि सिंस के जगह याद करो, फ्यूचर में सिंस के जगह फ्रॉम आ जाता है, तो कहिया से एबसेंट रहेगा, फॉर अ वीक। हिज मदर हैज बीन अफेक्शन, उसकी मम्मी को लगाव है, अफेक्शन के बाद ऑफ लगाते हैं। राम वाज मैरिड, राम शादी कर रहा है, किससे किया था, कर लिया है सीता से, टू विथ भी लगा सकते हैं लेकिन टू बेटर आइडिया होता है। विच हाउस डू यू लिव इन, हाँ कौन घर में रही छे, कौन घर में ना, इन लिव इन, प्लीज राइट, लिखिए कथी से, इंक से, तो इन इंक। ही इज गोइंग, वह जा रहा है कहाँ, अपने घर, तो गो के बाद टू लगाते हैं, जहाँ भी जाएंगे गो के बाद टू लगा करके, जहाँ भी आएंगे कम के बाद टू लगा के। द लेटर इज रिटेन, अब बोले थे लिखा गया तो कौन लिखा है, जिसके द्वारा लिखा जाएगा बाय लगा करके। से का दो इंग्लिश विथ और बाय, कोई सजीव रहेगा तो बाय करना और निर्जीव रहेगा तो विथ करना, इतना ही का अंतर है। सी वाज बॉर्न, ओकर जन्म भेले कहिया, तो 10 सितंबर के, तो ऑन 10th सितंबर, सेप्टेम्बर। ही केम हेयर, वह आया था कब, कहिया, मार्च में, लिख दे मार्च में, यही ना हो सकता है। आई वाज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था कहिया, तो 1971 में, फिक्स है ना ये सब चीज। इन यू राइट, तुम लिखते हो कथी से, पेंसिल से, से के लिए क्या यूज करेंगे, विथ का, विथ विथ। सी केम हेयर, वह आया कथी से, तो जब भी किसी से जाएगा आएगा तो क्या लगा करके, बाय। ट्रांसलेट इट, कह रहा है इसको बदलिए, क्या चीज़ अनुवाद कीजिए कथी में, हिंदी में, तो जब कोई चीज़ बदलने के सेंस में इन नहीं, इनटू, पानी बदल जाता है बोलते ना बर्फ में, हाँ बदलने के सेंस में इनटू, तो बदल गया ना यहाँ पे, इंग्लिश था क्या हो गया हिंदी, आए समझ में, काफ़ी है इतना, थोड़ा और एक दो बार देखना जितना पढ़ा है, थोड़ा बुक सब में जितना लिखा है ना प्रीपोजिशन, थोड़ा कवर करो, कल फिर थोड़ा सा प्रीपोजिशन को प्रैक्टिस करवाएंगे और इम्प्रूव होगा। देखो नंबर बैठाओ कितना नंबर आया,